वही रेसिपी इसमें आज हम बनाने वाले हैं आलू प्याज की क्विक सब्जी। ये बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली रेसिपी है, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और इसे टिफ़िन में लेके जा रहे हो साथ में, तो ये दूसरे दिन तक ख़राब भी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है इसके इंग्रेडिएंट्स। हमने यहाँ पर 3 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, इसे चॉप कर दिया है हमने, इसे बॉईल नहीं किया है। और इक्वल क्वांटिटी में हमने ऑनियंस ले लिया है, इसे भी चॉप कर लिया रफली। धनिया पत्ती इसे चॉप कर लिया है धो के। ये लिया मैंने एक बड़े साइज़ का टोमेटो, 2 गार्लिक चॉप्ड, 4-5 कड़ी पत्ते और 1 कटी हुई हरी मिर्च। और ये हमारे स्पाइसेस है, ये हम इसे बनाने में यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पैन, उसमें ले लिया है 3 टेबलस्पून ऑयल। हम इसमें डालेंगे राई, इसके तड़कने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारा जीरा। जीरे के बाद हम हमारी बाकी की सामग्री डालेंगे। हम डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई, लहसुन कटी हुई चॉप्ड। इसे हल्का ब्राउन होने पर हम इसमें डालेंगे हमारे कच्चे आलू। इसे हमें अच्छी तरीके से लाइट ब्राउन होने तक, और ये जब तक हल्के फुलके ना हो जाए तब तक हमें स्टर फ्राई करने हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे हल्दी और इसे अच्छी तरीके से स्टर फ्राई कर लेंगे। इसके स्टर फ्राई होने के बाद ही हम इसमें डालेंगे हमारे अनियन। आप चाहो तो इसे ढक करके भी रख सकते हो, जिससे कि ये भाप से पक जाएगा। अब हमारे आलू पक गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे हमारे अनियंस। हमने इसे रफली चॉप कर दिया था और इसे भी अच्छी तरीके से चला लेंगे। इसका कच्चापन निकालना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद ही हम अपने स्पाइसेस इसमें ऐड इन करेंगे। अनियंस भी अच्छी तरीके से पक गए हैं, अब हम इसमें ऐड इन करेंगे लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा और हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। हम टमाटर पहले नहीं डालेंगे, वरना हमारे सब्जी को अच्छी तरीके से कलर नहीं आएगा। हमें हमारे स्पाइसेस को अच्छी तरीके से पका लेना है, और फिर हम इसमें डालेंगे हमारे टोमेटोस। इसे भी हमें सॉफ्ट और मशी होने तक पकाना है, इसका भी कच्चापन हमें निकाल देना है। इसमें आप खटाई के लिए इमली का पल्प का पानी भी यूज़ कर सकते हो, आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हो और काचरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। हमने यहाँ पर इमली का पानी यूज़ किया है। हमने इमली के पल्प को पानी में भिगो करके रख दिया था और फिर इसको स्क्वीज़ करके इसमें डाल लिया है। अब हम हमारी सब्जी को अच्छी तरीके से चला लेंगे, सब कुछ मिक्स कर देंगे। नमक कम या ज़्यादा हो तो वो भी डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी को बराबर करने के लिए। अब इसे ढक दे के 5 मिनट तक रख फिर हम देंगे इसे स्लो स्लो फ्लेम आँच पे पे। ढक करके रख देंगे 5 मिनट पांच मिनट बाद के लिए। हमारा मसाला, हमारे आलू, पांच मिनट हमारे के अनियन बाद सब इसके सारे एकजुट हो मसाले जाएंगे एकदम एकजुट हो और गए हमारी हैं सब्जी और रेडी ये है। रेडी टू हम इसे सर्व धनिया है। पत्ती इसके से ऊपर हम गार्निश गार्निश के लिए करेंगे डालेंगे और हरा ये धनिया रेडी टू सर्व है। फ्रेशनेस के लिए। अगर आप इस आप सब्जी चाहो को तो ड्राई इसे बनाना चाहते हो पूरा तो ड्राई भी बना आप सकते इसमें हो पानी बगैर ऐड पानी नहीं के। कीजिएगा, तो आप भी जाए ज़रूर बनाए, तो आप भी जाए ज़रूर इंजॉय। बनाए। इंजॉय।